बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति। आज हम आपको ले जाने वाले हैं गढ़वाल हिमालय में बसे एक ऐसे विलेज के टूर पर, जहां आपको प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ संस्कृति, लोक कथाओं और पुरानी वास्तुकलाओं का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। अभी हम जिस सुंदर गांव में हैं, वो गांव है रैथल, और आज हम आपको लेकर चलेंगे रैथल के विलेज टूर पर। यहाँ की गलियों से होते हुए हम आपको रूबरू करवाएंगे यहाँ की लोक संस्कृति से, यहाँ के त्योहारों से, यहाँ के मेलों से, और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस गांव के वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुशवाल जी। पंकज जी, आपका बारामासा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बारामासा। और हाँ, इस गाँव के वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूँ, इस गाँव का निवासी हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं इस गांव के इतिहास से। इस गांव का इतिहास कितना पुराना है, कब से ये गांव अस्तित्व में है? देखिए, इसका गांव के इतिहास को लेकर कोई ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट तो नहीं है जैसे ज़्यादातर गढ़वाल के या हिमालयन गांव के बारे में है, लेकिन मान सकते हैं कि जब से हिमालय का ये इलाका आबाद हुआ होगा तब से इस गाँव का वजूद होगा, क्योंकि ऐसा लिखित में अभी हमारे पास कोई इतिहास मिला नहीं है। जब भी रैथल के बारे में जिक्र होता है तो उसमें 1808 या 9 में और 1820-22 में पहली बार किसी अंग्रेज ने, एक बार फ्रेजर आए थे, एक बार रैपर आए थे, तो उन्होंने अपने दस्तावेजों में इस गांव का उल्लेख किया था कि इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा गांव है। हालांकि बड़े गांव की परिभाषा उनकी ये थी कि इस गांव में 25 से 30 परिवार रहते हैं, उतने ही मकान हैं, कुछ घास फूस वाले मकान हैं तो कुछ पत्थरों की जो छतें होती हैं वैसे मकान हैं। हम लोग जो हैं तिब्बत सीमा से बहुत नज़दीक हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की कुल दूरी होगी। तो ये रूट जो है वो मूल रूप से नमक के निर्यात और आयात के लिए यूज़ किया जाता था। तिब्बत से जो है वो हिमालयन सॉल्ट आता था और यहाँ से व्यापारी मोटा अनाज लेकर तिब्बत जाते थे। ये इतना प्राचीन तो है कि हम इसे कह सकते हैं कि अगर जहाँ भी हम खड़े हैं वो पंचपुरा मकान, इसकी बनावट मानी जाती है कि 500 साल पुराना है। लेकिन इससे पहले भी यहाँ कुछ परिवार, जिन्हें यहाँ का सबसे पहला परिवार माना जाता है, वो उनके बारे में बताया जाता था कि वो उससे भी 400-500 साल पहले से थे। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सूर्य मंदिर है, वो ASI वाले बताते हैं कि वो 1000 साल पुराना है। तो 1000 साल पुराना सूर्य मंदिर है तो लिहाजा आसपास बसावट रही होगी। तो कुल जब हम मान सकते हैं कि इस गांव का इतिहास 1000 साल पुराना जाता है, या फिर जो मैंने पहले भी कहा था कि जब से हिमालय ये इलाके आबाद हुए होंगे, यहाँ बसावट शुरू हुई होगी, तो संभवतः ये भी उन गांव में पहला हुआ, उन आबाद इलाकों में पहला इलाका होगा। अभी हम जिस जगह पे है, यहाँ पीछे पंचपुरा भवन है, इसे आपने बहुत जगह पे सोशल मीडिया पे फोटोज में भी देखा होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसे कोटी बनाल शैली भी कहा जाता है। तो हम इस घर के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, और ये 5 फ्लोर का है तो किस फ्लोर को क्या बोलते हैं और कौन सा फ्लोर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उन सभी चीज़ों पर भी हम पंकज जी से बात करेंगे। तो आप बताइए कि ये जो शैली है, ये कौन सी शैली से इसकी बनावट हुई है, और ये घर किसका है, किसने बनवाया है? देखिए, मैं इतना इतिहास नहीं जानता हूँ, लेकिन कोटी बनाल शैली का जो प्रचलन में आ गया है मैं उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर हम पूरे हिमालयन रेंज में जाएं तो हर इलाके में अपनी बनावट की एक तरीका था। अगर आप इस मकान को देखें, किसके बारे में ये दावा किया जाता है कि 500 साल पहले राणा गंभीरू ने बनाया था, और ये माना जाता है कि पंवार जाति के बाद, जो यहाँ पंवार और जिमाटा जाति के बाद यहाँ जो तीसरी जाति आई थी वो राणा थी। तो 500 साल पुराने ये मकान को अगर आप इसकी बनावट देखेंगे तो इसमें ना एक, आप ठीक देख रहे होंगे कि 2 से 3 फिट की पत्थर की चिनाई है, उसके बाद उतनी ही मोटाई या उससे थोड़ा सा कम एक लकड़ी का लंबी सी वो रखी हुई है, एक पूरा पेड़ का तना रखा हुआ है। तो इसको अभी नई भाषा में से लिंटल बैंड टेक्निक कहते हैं, ये भूकंप अवरोधी जो तकनीक है। उसके हाल के सालों में पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मकान बनाए जाने चाहिए वो लिंटल बैंड टेक्निक से बनाए जाने चाहिए, ताकि भूकंप में उनका कम से कम नुकसान हो। और इसे देख के लगता भी है कि ये तकनीकी कितनी पुरानी और कितनी कारगर है, इसलिए क्योंकि 1803 में पूरे गढ़वाल क्षेत्र में एक विनाशकारी भूकंप आया था,
ये मकान तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, ये तब भी सुरक्षित था। और वो इतना विनाशकारी भूकंप था कि अंग्रेज उस समय अंग्रेज हुकूमत लिखती है कि जब वो निकले सर्वे करने, उन्हें अगले 15-20 साल लग गए कुल हुए नुकसान की टोटल जानकारी इकट्ठी करने में। तो वो उसका विवरण जो अपने किताबों में देते हैं, अपने उसमें जो रिपोर्ट्स में देते हैं, वो बहुत डरावने थे कि लगभग बड़ी आबादी जो है वो खत्म हो गई थी। तो ऐसे में 1803 में ऐसे में इस मकान में कोई फर्क ना पड़ना। और उसके बाद 1991 में एक बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था उत्तरकाशी में, रैथल में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि इसका सेंटर रैथल से कुल जमा 30-40 किलोमीटर दूर था, एक गांव ढासड़ा, वहां पे था उसका केंद्र। तो तब भी इस मकान पे कोई दरार भी नहीं उभरी थी। इवन यही मकान नहीं, जो इस शैली में यहाँ पे पुराने मकान बने हुए हैं, जो पिछले 200-300 साल में बने हुए हैं, वो मकान इन भूकंप के दौरान भी सुरक्षित रहे हैं। तो इस ये शैली बड़ी उन्नत शैली थी, खासकर भूकंप अवरोधी तकनीकी के हिसाब से। अब अगर आप देखेंगे इसमें, तो आपने एक और सवाल पूछा था कि किस फ्लोर पे किस तरह के लोग, तो आमतौर पर ऐसे पुराने मकानों में सबसे नीचे वाला जो फ्लोर है वो पशुओं के लिए रखा जाता है, और इसका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर है वो आमतौर पर रिहायशी जगह थी जहाँ पर रहा जाता था, क्योंकि आप देखेंगे बहुत छोटी खिड़की है। तो इसका मैं एग्जैक्ट नाम नहीं, इसको गढ़वाली में कुछ कहते हैं मोरी कुछ इस तरह का, तिबारी ऊपर है, वो तिबारी, हाँ वो तिबारी है जहाँ महाशय बैठे हुए हैं, ये मोरी करके रखा था कि जहाँ से झांकने के काम आए। सबसे नीचे वाला जो इलाका फ्लोर था बेसमेंट, वो पशुओं के लिए रहता था, वहाँ पे पशु रखे जाते थे, पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था, और इसके अलावा बहुत बड़ा व्यवसाय ना था, खेती होती थी पर नकदी फसलें तब नहीं होती थी, तो रोजी रोटी का जो सारा जरिया था वो पशुपालन पे ही था। और जिस गांव में हम खड़े हैं रैथल में, यहाँ के अधिकांश जो परिवार थे वो बकरी पालन का काम करते थे, क्योंकि बुग्याल नज़दीक है, चारागाह की कमी नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग बकरी पालन का करते, अभी भी 30-35 परिवार बकरी पालन का करते थे। और ये 3 मंजिले लोगों के रहने का इलाका था, जो सबसे ऊपर का 5 मंजिला है। संभव होता ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा हमारे पास तथ्य तो नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मान सकते हैं संभावना है कि वहाँ कोई रहता नहीं था, बस वो एक तरह से एक उसके लिए था कि मतलब मैं कितना ताकतवर हूँ या मैं कितना मजबूत इंसान हूँ, कि अगर 5वें मंजिले पर कोई बैठा हुआ है और कोई इस गांव में प्रवेश कर रहा है, तो उसे अपनी हनक दिखाने, अपना रुतबा दिखाने का एक बहुत बड़ा वो था, प्रतीकात्मक था कि मैं इस पूरे इलाके में कितना विशाल आदमी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको इस घर का अंदर से भी एक बार टूर करा देते हैं, तो चलिए यहाँ पे लाइट सोर्स थोड़ा कम होगा, तो क्योंकि 3 दशक से कोई बसावट नहीं है इसमें, ये पिछले 30 सालों से खाली है बिल्कुल। हाँ, लगभग 3 दशक से कह सकते हैं हम। अच्छा, तो मतलब लास्ट यहाँ पे जब रहते थे लोग, तो वो बहुत संभव है की बहुत संभव है कि शायद जब 91 का भूकंप आया था उससे पहले तक, जिसकी बात मैं कर रहा था मोरी, तो यहाँ से देखा जाता था कि कौन आ रहा है, कौन अच्छा। मतलब जिसकी आवाजाही के लिए, और ये देख सकते हैं आप लकड़ी की सीढ़ी, और ये वो सीढ़ियां थी कि पेड़ के 2 हिस्से किए जाए और बीच से फाड़ा जाए पेड़ को, तब ये रास्ते बनाए जाए। पर बड़ा ध्यान से आइएगा, बहुत लंबे समय से कोई रहता नहीं है, तो ये दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। हाँ, ये दरवाजे इसलिए बंद कर दिए सुरक्षा की दृष्टि से, तो अभी इसमें अंदर सामान होगा? नहीं नहीं नहीं, इसलिए बंद किया है कि जिन परिवारों के पास इसकी मिल्कियत है उन परिवारों का भी, क्योंकि अक्सर कोई भी आ जाता है खुला छुटा हुआ है, अंदर चला जाता था, दरवाजे खुले थे, और जो हवाएं आ रही है वो अंदर दीवारों को भी नुकसान पहुंचा देती, तो जिनके पास इसकी मिल्कियत है उन्होंने शायद इसीलिए बंद किया। ये होती थी दीवार बरामदा, ये सूरज नहीं, ये स्टोर के लिए था। ये बहुत नया बना है, इसकी बनावट बिल्कुल नई है, मतलब ये उतना पुराना नहीं है जितना ये भवन जो है, ये बहुत नया बना हुआ है। मुझे लगता है संभवतः ये भूकंप से कुछ साल पहले बना होगा, क्योंकि आमतौर पर जो तिबारियां होती थी ना, ये इतनी छोटी होती थी कि जहाँ पे सिर्फ बैठा जा सके, खड़ा नहीं, जहाँ पे सिर्फ बैठा जा सके इस तरह से, तो ये उसका मूल है पुराना सबसे। हाँ, ये पूरे इलाके को यहाँ से देखा जा सकता था, क्योंकि इसकी लोकेशन इस तरह की है कि पूरी गंगा घाटी को
यहाँ से देखा जा सकता था। और सामने जहाँ बादल लगे हुए हैं इसके पीछे पूरा एक श्रीकंठ पर्वत श्रृंखला है जिसके बारे में फ्रेजर भी लिखते हैं अपने एक रिपोर्ट में, जब वो 1822 में आए थे यहाँ पर, रैथल में आए थे। और हम थर्ड फ्लोर पे हैं। हाँ, थर्ड फ्लोर पे हैं। यहाँ पे ये तिबारी थी बैठा करता था, तो मूल रूप से ये मान सकते हैं कि ये महिलाओं के बैठने की जगह थी। और फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर जो है वो, और जो घर में किचन वाला एरिया होता था वो किचन का नहीं, जो पुराने घर आप देखेंगे तो पुराने घरों में, अगर यहाँ पे खुला नहीं है दरवाजा, एक पूरा कमरा होता था, उसके बीच में या किनारे पे एक चूल्हा बना होता था, वहीं खाना बनता था, वहीं सब सोते थे। तो पुराने घरों का सबका ये स्टाइल है। अलग से किचन वाला जो ट्रेंड है वो बहुत बाद में शुरू हुआ जब हमने नए घर बनाने शुरू किए, अदरवाइज जितने पुराने घर हैं वहाँ अलग किचन का कोई ट्रेंड नहीं था। एक कमरा होता था लंबा, उसमें ही सब सोते थे, उसी में खाना बनाया जाता था, चाहे वो संपन्नता के लिहाज से कितना भी संपन्न हो। तो अलग से खाना बनाने की जगह या खाना परोसने की जगह ऐसा कुछ था नहीं। ये तो बोलते हैं ना रिंगाल, रिंगाल का बना हुआ है, हम इसे तड़का कहते हैं। ये जो हमारे गेहूं धान जो भी हमारे अनाज हैं उसको सुखाने के काम आता है। जस आप अभी गांव में देखेंगे, अभी आज धूप खिली है बहुत दिनों बाद, तो ज्यादातर लोगों ने गेहूं सुखाने डाले हुए हैं। पहले तक जो है ऐसे बने हुए थे दड़के, और हिंदी में मुझे इसका नाम नहीं है पता, बट दड़का हमारे गढ़वाली में, क्योंकि हमारे गढ़वाली भी अलग तरह के ना, हम लोग जो बोलते हैं वो बुडेरी गढ़वाली भी, वो अंदर खुला है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रहते थे, किचन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मोस्ट प्रोबेबली किनारे पे चूल्हा बना होगा और सब लोग सोते थे, और ऐसी जगह पे किचन हो नहीं सकता है। यहाँ से दिख रहा है जैसे उधर भी एक स्पेस है, तो ये पूरा सर्कल घूम सकते हैं, मतलब इस वाली स्टोर के चारों तरफ नहीं, अब ज्यादातर घूम तो सकते थे पर पहले, अभी क्योंकि कोई रह नहीं रहा है, देख रेख हो नहीं रही है, तो ज्यादातर लकड़ियां हाँ इधर से है स्पेस जाने। आज घूम लो, हाँ मेहमान वो है, आप लोगों को देख के ये कह रहे हैं कि चाय, आप लोगों को चाय के लिए इन्वाइट किया जा रहा है, और उसे फिर देखते। खैर ये लकड़ियां सड़ रही हैं देख रेख के अभाव में, माफ कीजिए। तो इसके ऊपर चलना अभी सेफ नहीं रहेगा, आप देख सकते हैं वो जो ये पूरा सर्कल, हम ये पांचवी मंजिल थी इस, अब इसका ऊपर रोहित को मैं कहूंगा कि ये जो साकल लगी हुई है ना, जंजीर चैन कहाँ पे, अच्छा ये जो पूरी लंबी वहां तक ये बंधी हुई है, सामने कुठार इसे कहते हैं, ये स्टोर रूम हुआ करते हैं। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो ये ऊपर सबसे ऊपर वाली स्टोरी है इस पे जाने का रास्ता नहीं नहीं होगा? नहीं है, वो पहले भी नहीं हुआ करता था, एक छोटी सी सीढ़ी लगी होती थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि ऊपर कोई ना रहता हो, मैं तुम्हें ध्यान से, और बहुत संभव है कि ऊपर बिल्कुल ना रहता हो कोई, वो तब रहता हो जब किसी को यह एहसास कराना हो कि उसकी हैसियत क्या है इस पूरे इलाके में, या फिर वो कितना बड़ा आदमी है, तो उसलिए प्रयोग में की जाती है। मैंने अभी देखा इधर से ऊपर एक यहाँ खिड़की भी है। हाँ खिड़की ऑफ कोर्स जब बना हुआ है रहने के हिसाब से, बट वो खिड़की भी होगी, पर आप देखेंगे ना सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। अच्छा इस वापस इस चैन पे आते हैं, सामने जो है कुठार बना हुआ है, पहाड़ों में हिमालय क्षेत्रों में अनाज को स्टोर रखने के लिए ऐसे ही कुठार बनाए जाते हैं, इसे कह सकते हैं गोदाम है ये स्टोरेज के लिए। तो ये चैन बांधी होती थी, इसके बीच में घंटी बंधी होती थी, तो जब भी कोई चोरी करने के उससे नियत से उसके दरवाजों को खोलता था तो ये चैन बजती थी, तो उससे पता चल जाता था, अलार्मिंग अलार्म था एक तरह से, कि अगर कोई हाथ लगाए तो पता चल जाता था कि कोई चोरी करने आया हुआ है। तो ये बनावट थी, ये अपने उसके लिए लगा रखा था। तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन जो है वो पूरी गंगा घाटी, आप देख रहे हैं सामने भागीरथी नदी बह रही है, और जब भी जैसे अभी बात की श्रीकंठ पर्वत श्रृंखला की, तो ये पूरा गांव दिखता था वहां सामने थे। हाँ जहां बादल लगे हुए हैं वहां सामने। अब आप देखेंगे गांव में ज्यादातर नया निर्माण है, लाल चादरें लगी हुई हैं, और ठीक हमारे सामने एक पुराना मकान और है ये हाँ, और एक ठीक यहाँ पे है जो होम स्टे के रूप में संचालित हो रहा है पुराना मकान, तो ये भी 200-300 साल पुरानी जो है इसकी बनावट है। आपको लेकर चलेंगे। हाँ जरूर। जो ये स्टोरेज के लिए यूज होता था इसमें अभी भी अनाज वगैरह? हाँ अभी भी, पहले गांव में ज्यादातर लोगों के पास ऐसे कुठार हुआ करते थे अपने, हाँ
सभी के पास नहीं, सभी के पास क्योंकि निर्माण करवाना बहुत सरल काम नहीं था इसमें, तब पैसे बहुत कम भले ही लगते थे लेकिन संसाधन बहुत लगते थे, आपको लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ेंगी और हाँ पहले आसानी से उपलब्ध थी लकड़ियाँ। उसके ऊपर ये जो इसके ऊपर पठाल लगी हुई है इसे निकाला जाना एक सबसे मुश्किल प्रक्रिया होती थी कि एक गांव में कुछ लोग ही थे जो इस काम को करते थे कि जो पहाड़ियों से ऐसी चट्टानों को चीर के चट्टानों को तरीके से काट के इस तरह की पठाले बनाया करते थे। तो हिमालयन क्षेत्रों में ज्यादातर जगह पर यही पठाले यूज होती थी घरों के ऊपर। एक तो ये ऐसे घर, एक तो यहाँ बर्फ ज्यादा पड़ती थी तो जो आप देख रहे हैं अब इस तरह से बना हुआ है जिससे बनावट है तो उसमें बर्फ नहीं टिकती थी, और उस समय तक घरों के ऊपर लगाने के लिए ऐसे कोई संसाधन थे नहीं जैसे आज टीन शेड हैं या छत है। तो पर उसमें भी यह था कि जो साधन संपन्न लोग थे वही अपने घरों के ऊपर पठाले लगा पाते थे, अदरवाइज पहले तक लोग अपने घरों के ऊपर एक छोटा सा कच्चा मकान होता था उसके ऊपर एक लंबी सी घास होती है पहाड़ों में जिसे हम हलम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो बहुत लंबी घास होती है तो उसे काट के उससे ढकते थे अपना घर। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा एफर्ट कर पाते थे, अगर किसी गांव में 20 परिवार थे तो बमुश्किल से 5 से 6 परिवार ही थे जो इस काबिल थे कि इसको इतना स्टोरेज बना सकते थे। बट हाँ ज़्यादातर के पास था, बट अब ये है बहुत गिनती के रह गए हैं स्टोरेज, क्योंकि जितनी जगह ये घेरते हैं स्टोरेज के लिए अब लोगों को लगता है कि 4 ड्रम लेकर मैं घर के किसी एक कमरे के कोने में उतना अनाज स्टोर कर सकता हूँ जितना एक बड़ी सी जगह पे। तो ज़्यादातर गाँव में अब कुठार वाला जो है वो सिस्टम ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है या फिर लोगों ने तोड़ दिए हैं। तो ये वही कोठार है जिसका विजुअल्स अभी हमने ऊपर से देखा था, और ये वही सांकल है जिसमें घंटी लगाते थे उस टाइम पे ताकि अगर कोई चोरी करे तो आवाज़ आए और लोग उठ के देख सके। और इसको इस्तेमाल किया जाता है फूड स्टोरेज के लिए। तो फूड स्टोरेज की बात आई है तो हम इस गांव की जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो यहाँ मेजर फसलें होती हैं और जो कैश क्रॉप्स होती हैं उन सभी पर बात करेंगे। जी अच्छा, कैश क्रॉप के मामले में गांव बहुत लकी है पूरे इलाके में, और तो यहाँ पे अलग अलग तरह की किस्में हो जाती है खेतों में, और जितनी भी फसलें होती हैं उनमें से एक फसल को छोड़कर सारी नकदी फसलें हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था जैसे आम पहाड़ी इलाकों में होता था पहले, जो मिलेट्स आजकल बड़े चर्चाओं में है वो मिलेट्स ही उगा करते थे, चाहे वो कौड़ी हो चाहे वो फिर मार्छा हो रामदाना जिसे कहते हैं, और मड़वा बहुत कम होता था क्योंकि जिस इलाके जिस जहाँ पर अभी हम हैं उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7000 फीट है ठीक, और भीषण ठंड पड़ती है आमतौर पर, सर्दियाँ इतनी कठोर होती है कि खेतों में उगने लायक कोई कुछ भी नहीं उग पाता है अक्टूबर के बाद। पर हाँ जब से ये हरित क्रांति हुई है उसके बाद यहाँ पे गेहूं की कुछ उन्नत किस्में आई हैं, तो गेहूं बोना लोगों ने 70 के दशक से शुरू किया था, तो अब जो है सर्दियों में गेहूं ही बोया जाता है। अक्टूबर में जैसे आलू निकालेंगे तो अक्टूबर में गेहूं बोएंगे वो जुलाई फर्स्ट वीक में पकते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत लंबा समय लेते हैं। पर इतनी भीषण परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ के किसानों ने मेहनत का एक बड़ा अच्छा वो दिखाया है, अगर आप उसे कहेंगे कि इसके लिए शब्द नहीं आ रहा है कि एक जज्बा दिखाया है। उन्होंने यहाँ पर कैश क्रॉप में अभी सबसे ज़्यादा आलू उत्पादित किया जाता है इस पूरे इलाके में, सबसे ज़्यादा आलू इस गांव में उत्पादन होता है। उसके अलावा राजमा इन दिनों खेतों में बोया हुआ है, आलू भी बोया हुआ है, राजमा का भी यहाँ पर अच्छा उत्पादन होता था। हाल के सालों में राजमा का उत्पादन घटा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पुराने बीज थे राजमा के वो अब सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरा क्या है कि जो बारिश का पैटर्न बदला है ना, रैथल और उसके जो समान हाइट वाले इलाके हैं ना, इन इलाकों में भारी बारिश नहीं हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, साल 2000 या उससे पहले तक भी यहाँ भारी बारिशें नहीं हुआ करती थी। मानसून के दौरान बहुत हल्की सी बारिश पर कंटिन्यू होने वाली बारिश, जैसा सा लगता है कि कोई हल्का सा शॉर ले रहा हो, बहुत हल्की सी बारिश हुआ करती थी। तो इसके गवाह हम हैं कि जो भारी बारिश होने का सिलसिला है वो साल 2004-2005 के बाद शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ का राजमा सर्वाइव नहीं कर पाया है, इसलिए इसके उत्पादन में बहुत गिरावट दर्ज की गई है। और पर यहाँ पे राजमा भी बहुत अच्छा होता था,
यहाँ पर मटर की फसल ऐसे वक्त बोई जाती है जब मार्केट में मटर की सबसे ऊंची डिमांड होती है। अभी आजकल ही हम लोगों ने मटर बोए हैं आलू निकाल के, कुछ खेतों से आलू निकाल के, क्योंकि आलू यहाँ पे तो अक्टूबर में निकलना है, पर कुछ खेतों से आलू निकाल के वहाँ मटर बोए हैं और मटर की फसल यहाँ 70-80 दिनों में पूरी तैयार हो जाती है। वो मटर की फसल की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि उस मटर का किसानों को 180-200 रुपए किलो तक का भी कीमत किसानों को मिलती है। तो नकदी के हिसाब से इस गांव की जो प्रमुख फसलें हैं वो आलू है, राजमा है और मटर है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं बोए जाते हैं, पर वो बेचने के लिए नहीं बोए जाते हैं क्योंकि उसका बहुत कम उत्पादन होता है, बहुत लंबी और दुश्वारी भरी सर्दियां उसे झेलनी होती, तो बहुत कम उत्पादन होता है। पर इतना उत्पादन तो हो जाता है कि लोगों को बाजार से आटा खरीद के नहीं खाना पड़ता है, इतना उत्पादन हो जाता है। वो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पे खेती इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वो रैथल में है या फिर इसके एक पड़ोसी गाँव है गोरसाली, वहाँ है। तो आगे चलते हुए हम फूड हैबिट्स पे बात करते हैं। जैसे हायर हिमालयाज में सीजन चेंज होने के साथ फूड हैबिट चेंज होती है, मतलब खाना, रहना और रहन सहन, ये सारी चीजें बदलती है। तो यहाँ पर फूड हैबिट्स सर्दियों में, गर्मियों में, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि 30-40 दशक पहले यहाँ पे मिलेट्स, जो मोटा अनाज है ना, वही उगता था, तो वो साल भर की खुराक वही थी। अच्छा। लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से जो आधुनिक बीज है, आधुनिक खेती, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर, फार्मिंग और एग्रीकल्चर है, उसने फूड हैबिट को बदल दिया है। अब क्या हुआ है कि हमारी थाली पर, खान पान पर पूरी तरह से बाजार का असर है कि अब मिलेट्स तो है नहीं, मोटे अनाज तो है नहीं कि पहले ये कहा जाता था कि नहीं, विंटर में शरीर को गर्म रखने के लिए हम मार्छा खाएंगे, मार्छा का हलवा खाएंगे या फिर उसकी रोटियां बनाएंगे, मार्छा को पीस के उसकी रोटियां बनाएंगे तो गर्मी सर्दियों में हमें ऊर्जा मिलेगी। अब पिछले 2-3 दशकों से बाजार का इतना असर पड़ चुका है सारी चीज़ों पे कि अब हमारी थाली में वही चीज़ें शामिल हो गई हैं जो प्रचलित हैं। पर हाँ, कुछ है क्योंकि हम पहाड़ में हैं और यहाँ पर कुछ हमें नेचर फ्री में दे देती है। जैसे हम सर्दियों में हम बहुत ज़्यादातर वक्त कंडाली की सब्जी खा लेते हैं, वो ऊर्जा ऊष्मा का बड़ा स्रोत है, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी वक्त खा लें, बहुत रेयर चांस होते हैं। इसी के साथ गहत एक दाल होती है, वो सिर्फ सर्दियों में ही खाई जाती है क्योंकि उसमें उसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो वो यहाँ पर उगाई जाती है। हाँ, तो ऐसा फूड पैटर्न का जैसा कुछ नहीं है, वो जो आमतौर पर बाजार की थाली है वो एक हिस्सा बन गया है। यहाँ हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया पशुपालक एक मेन लोगों का पेशा है, उसके साथ साथ पर्यटन भी अब आज किसानी, पशुपालन नहीं था, किसानी मेन मेन पेशा का, अब पर्यटन है पिछले कुछ सालों से। तो पर्यटन के आने से किसानी पे कुछ प्रभाव पड़ा है या अभी भी दोनों एक ही साथ दोनों एक साथ चल रहे हैं और यही खूबी है। हालांकि कुछ सालों तक ये रहेगा, पर लेकिन जब अधिक संपन्नता आती है तो आदमी सबसे पहले जमीन छोड़ देता है, कृषि जमीन छोड़ देता है, वापस पर्यटन पे आते हैं। ठीक आपके पीछे आप ये प्रतिमा देख रहे होंगे, ये चंदन सिंह राणा जी हैं। चंदन सिंह राणा जी प्रधान रहे थे 18 सालों तक इस गांव के, और इस गांव में आज के समय में तकरीबन हर साल 1,00,000 पर्यटक आते हैं, 1,00,000 लोगों का फुटफॉल होता है। और हाँ, तो किसी भी पहाड़ी गांव में इतना सुदूर जो बसा हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना बड़ा हैरान कर देता है लोगों को कि इतनी संख्या में आते हैं। उस हिसाब से देखिए यहाँ दर्जनों होम स्टेज भी बने हुए हैं। तो चंदन सिंह राणा जी ने 80 के दशक में यहाँ पे दयारा बुग्याल, जो जहाँ पर अभी हम लोगों ने 16 अगस्त को बटर फेस्टिवल मनाया था, तो दयारा को चंदन सिंह राणा जी ने 80 के दशक में ये सोचकर, उसकी जो परिस्थितियाँ थी, उन्होंने ये माना कि ये विंटर गेम्स के लिए, शीतकालीन खेलों के लिए बड़ा अच्छा वो बन सकता है, स्पॉट बन सकता है। तो 80 के दशक से वो उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार मांग करते रहे थे कि दयारा में ऐसी मूलभूत ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाए जिससे यहाँ पे शीतकालीन खेलों का आयोजन हो सके। तो 80 के दशक से लेकर वो अपने जीते जी तक, 2012 में उनका देहांत हुआ था, तब तक उन्होंने लगातार पर्यटन, दयारा को पर्यटन का एक मुख्य केंद्र बनाने के लिए, क्योंकि रैथल उसका आधार शिविर गांव है और जो भी सबसे पहले आएगा दयारा जाने के लिए रैथल आएगा, तो आधार शिविर गांव में जो पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं होती है उसकी स्थापना करने के लिए या फिर इस पूरे
प्रमोट करने के लिए इस दयारा बुग्याल और ट्रैक रोड को, रैथल को बहुत मेहनत की थी, बड़ा संघर्ष किया था। पूरा गांव आज इनके लिए बड़ा आदर का भाव रखता है और शायद इनका ही संघर्ष है कि दयारा को ऐसी मुकम्मल पहचान मिली, रैथल को ऐसी मुकम्मल पहचान मिली कि लाखों लोग यहाँ पर साल भर में आ रहे हैं। चंदन सिंह राणा जी ही थे जो लगातार, जब इस पूरे इलाके में ऐसी कोई ऐसा प्रचलन नहीं था, इवन अगर आप अभी देखो तो पिछले ढाई दशक हो गए उत्तराखंड को बने हुए, उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने कोई नया पर्यटक स्थल विकसित नहीं किया है या कोई नया ऐसा ढांचागत सुविधाएं विकसित नहीं की है कि जिससे पर्यटन को एक फ्यूल मिले आगे बढ़ने के लिए। पर ये वो लोग थे कि जब उत्तर प्रदेश में हम हुआ करते थे, लखनऊ राजधानी थी, यहाँ से लखनऊ तक पहुँचते थे चिट्ठियों का ढेर लेके कि नहीं दयारा में ये चाहिए, रैथल में ये चाहिए ताकि पर्यटक आए, तो अगले 3 दशक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सरकार और सरकारी महकमों के चक्कर काटे थे कि रैथल में पर्यटकों के लिए ढांचागत सुविधा चाहिए, दयारा को पर्यटन के मानचित्र पर जगह मिले। हाँ, तो ये हुआ था कि जब राज्य बना, इनका ही संघर्ष का योगदान था कि जब राज्य बना था तो दयारा और रैथल पर्यटन सर्किट एक योजना बनाई थी पहली सरकार ने नारायण दत्त तिवारी के टाइम पे, और ये पहला गांव था जहां रास्तों में टाइल्स बिछे थे, स्ट्रीट लाइट लगी थी, पूरा गांव सीवेज से जुड़ा था, इसके साथ पारसू गांव भी, दोनों गांव दयारा के आधार शिविर, हाँ, जो पर्यटकों को चाहिए होती थी। ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है। तो आपका ही संघर्ष था इसलिए लोग इन्हें बड़ा आदर देते हैं गांव में कि जो आज गांव में संपन्नता है पर्यटन की वजह से उसका मैक्सिमम श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। और आज रैथल में यूथ जो है नौकरी के लिए बाहर नहीं जाता या नौकरी को लेकर बड़ा चिंतित नहीं रहता है, जैसे माइग्रेशन और दो तरह का माइग्रेशन है ना, कि एक तो परिवार यही है वो खुद नौकरी के लिए है, अब उसे ऐसी जरूरत भी नहीं है, गांव में ही इतने बड़े विकल्प खुल गए हैं पर्यटन के आने की वजह से, उसे गाइड के तौर पर काम मिल जाता है, वो होम स्टे चला सकता है, वो सपोर्टिंग स्टाफ में जा सकता है, तो लोगों की आवाजाही है, तो संभव सी बात है कि पर्यटन बढ़ रहा है तो आजीविका के साथ में बढ़े। इसके बाद हम कुछ होम स्टे को देखेंगे कि कैसे लोगों ने अपने पुराने घरों को होम स्टे में बनाया, तब्दील किया और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, हजारों लोग आके इन होम स्टेज में रह चुके हैं, इन परिवारों की दशा दिशा सब कुछ बदल रहा है, इनकम के नए जरिए पैदा हो रहे हैं। तो जो पर्यटक है टूरिस्ट वो सीजन वाइज मतलब उनके नंबर बढ़ते हैं घटते हैं, विंटर्स में कितने पर्यटक आते हैं? देखिए उसके हिसाब से सीजन के हिसाब से सबसे ज्यादा पर्यटक विंटर्स में आते हैं, और मॉनसून के दौरान पहाड़ों में लोग अवॉइड करते हैं सफर करना, तो उसका असर यहाँ भी दिखता है क्योंकि विंटर में दयारा में खूब बर्फ पड़ती है, रैथल में खूब बर्फ पड़ती है, तो ये होता है कि सबसे ज्यादा जो है वो ट्रैक करने जो है विंटर्स में आते हैं, विंटर्स में काफी क्राउड होता है और समर्स में भी लोग ट्रैकिंग करने आते हैं, बट विंटर सबसे मेन जो है वो दयारा के अलावा और मेजर कौन कौन से ट्रैक्स रैथल से किए जाते हैं? दयारा से गिडारा किया जाता है रैथल से, या फिर दयारा होते हुए अस्सी गंगा, पर रैथल में ना ट्रैकिंग करने के अलावा भी लोग सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आते हैं वो सुकून से रहने आते हैं कि बहुत हाइट पे गांव है, बिल्कुल अलग तरह का मौसम है, अगर कोई गर्मियों भी पे आता है तो वो सिर्फ यहीं रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आसपास भी काफ़ी सौंदर्य भरा पड़ा है, आसपास नदियां हैं और जिस हाइट पे हम हैं वहां पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत संपन्न होती है, फ्लोरा फोना जो है वो भी अलग किस्म का है, तो लोगों के लिए अगर ट्रैकिंग के शौकीन भी नहीं तो उनके लिए बहुत कुछ है यहाँ करने को, और कुछ भी ना करें तो वो सिर्फ सुकून से रहने आते हैं कि बस सामने सूरज को उगते हुए देखेंगे और उसे पीक्स देखेंगे और सनसेट होता हुआ देखेंगे और कुछ भी ना करें, बस उन्हें वो रिचार्ज करता है जो यहाँ का माहौल है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने ना होम स्टेज को, अपने पुराने घरों को होम स्टेज में तब्दील किया है और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट भी आए हैं, लोगों को बड़े पसंद आए हैं। जैसे अभी हम पंचपुरा में थे और मैंने वहाँ जिक्र किया था कि ऐसे कई घर हैं यहाँ पे इतने पुराने ही जिन्होंने दो बड़े बड़े विनाशकारी भूकंप झेले हैं, अब वो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बिल्कुल प्रगति, आपके पीछे आप देख रहे हैं ये एक बड़ा प्रसिद्ध होम स्टे है रैथल का, जो पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध भी है, रैथल होम स्टे है, ये रैथल होम स्टे के नाम से जाना जाता है और इसके ओनर विजय सिंह राणा जी हैं। विजय सिंह राणा, हम उनके बेटे हमारे साथ हैं, जयराज हैं और पृथ्वीराज हैं। पृथ्वी, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने इतनी पुरानी धरोहर को ऐसे संजो के रखा है अभी तक। सर आप जयराज हैं,
विजय विजय राणा जी के लड़के, वो यही इसे देखते हैं। आपका बारहमासा में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना एक परिचय हमारी ऑडियंस को दीजिए। जी, मेरा नाम जयराज है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। लगभग ये जो घर है हमारा 13th जनरेशन है अभी हमारी इसमें। 13th? हाँ, तो ये घर तो जो ये कितना पुराना है और कब आपने अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट करने का सोचा? एक्चुअली हम लोग यहीं रहते थे पहले, तो ये लगभग 13th जनरेशन हो गया, तो लगभग 450 साल पुराना है इतना। क्योंकि यहाँ पे जो है कई IIT कानपुर, IIT रुड़की वाले लोग आ चुके हैं रिसर्च करके, एक महीना रुक के फिर रिसर्च किया स्ट्रक्चर के उसमें। पर ये स्टार्ट हुआ 2015 में, 15-16 में। उस टाइम पे एक NGO आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने हमको आइडिया दिया था। होता क्या था, उससे पहले लोग आते थे और हम लोग यहीं रहते थे, हमारा किचन यहीं था, तो लोग इसको देखने ऊपर आते थे और एक वो जाहिर करते थे कि हमको भी ऐसे में रहना है। तो ये सब सुन सुन के फिर NGO आई, फिर उसने भी बोला आप यहाँ कर सकते हो शुरू, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि कहीं पर लगा के होटल खड़ा कर दिया जाए। वो ये एक हिसाब से जीरो इन्वेस्टमेंट समझ लो, क्योंकि इसी घर को मिट्टी से लिपाई करके, जो हमारे यहाँ पे मिट्टी पर्याप्त रहती है। तो आपने इसमें कुछ चेंजेस किए? चेंजेस एज इट इज है मैम। आप हमें घुमाएंगे? बिल्कुल। ये ग्राउंड स्टोर मैं देख रही हूँ, जैसे यहाँ लेफ्ट राइट में ये जगह है, ये किस चीज के लिए बनी, आप ये थोड़ा बताते हुए चलिए। ये एक्चुअली उस टाइम पे ना मवेशियों के लिए था, और मवेशी से पहले भी पापा लोग बोलते हैं कि मतलब जब यहाँ पे राजाशाही थी ना, तो जो हमारे दादा हैं वो इस एरिया के मतलब एक सयाना बोलते हैं अभी भी हमारे उसमें, तो इस रीजन के वो एक रेपुटेड वो थे, राजा टाइप समझ लो। तो इस पे जेल हुआ करती थी, कहते हैं इन दोनों पे जेल थी उस टाइम पे। हाँ, यहाँ की अच्छा। जैसे क्रिमिनल के लिए आजकल जेल होती है ना, तो यहाँ रखा जाता था। तो यहाँ पे अभी वो अभी तो खैर उसमें अंधेरा होगा, अभी अंधेरा है उसमें, क्योंकि उसके बाद फिर जब वो निकल गया फिर मवेशियों के लिए रखने के लिए यूज किया। तो उस टाइम पे यहाँ पे एक लकड़ थी बीचों बीच, उसमें खांचे, हाँ उसमें खांचे बने थे गर्दन फंसा के, ऊपर से लकड़ लॉक करके फिर ऐसे ही रखा जाता था उनको, ऐसा टाइप था। तो पापा लोगों ने देखा, हमको तो नहीं मिला देखने को, पर उन्होंने देखा। आपको ये कहानियां यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? इसको तिबार बोलते हैं हम लोग हमारे गढ़वाली लैंग्वेज में। तो यहाँ पे लोग मतलब जैसे कि बैठे हैं दादा परदादा जो भी थे उस टाइम पे, अभी भी हमारे टाइम पे भी थे, बैठ के एकदम चिल करके, ये एक बैठक टाइप था ये वाला पोर्शन। और वो रूम है, ये रूम है और वो भी रूम है, दोनों सेम रूम है। बाकी यहाँ पर जो खाने की चीजें हैं, तो आप मतलब खुद की प्रोड्यूस्ड फसलें होती है या मार्केट से? नहीं, टूरिस्ट हमारा होम स्टे, जब मैंने होम स्टे खोला था 2015-16 में, तो एक ही कॉन्सेप्ट रहा कि जो हम खुद ग्रो करेंगे अपने लेवल पे, अपने यहाँ पे खुद एफर्ट लगा के, तो वो चीज़ें हम उसी चीज़ को प्रोवाइड करेंगे अपने गेस्ट को। तो हम अभी भी वही सर्व करते हैं, जैसे कि लोगों को कोदे की रोटी और ये चटनी वगैरह खाने को नहीं मिलती जो पहाड़ में बनती है, और चौंसा हो गया हमारे लोकल फूड हो गया, और लाल भात हो गया, तो हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं अभी भी। और कुछ मतलब वो डिमांड पे है, हम कोशिश वही करते हैं कि वही प्रोवाइड करें। अब कुछ लोग क्या होता है, नीचे से आए, किसी को टेस्ट पसंद नहीं है, फिर किसी को खाने में भी डर लगता है कि यार कैसा होगा, तो वो अलग चीज है। लेकिन हम जहाँ तक होता है हम खुद के ही जो प्रोडक्ट, तो पहाड़ी खाने के अलावा आप जो मार्केट में फूड अवेलेबल है वो भी यहाँ सब हाँ कह सकते हैं मार्केट वाला फूड। और बाकी कितने रूम्स हैं यहाँ पे, मतलब एक टाइम पे कितने टूरिस्ट आके यहाँ स्टे कर सकते हैं? एक्चुअली मेरे पास ये हेरिटेज है, अब इतने जनरेशन गई तो ऑब्वियसली बात है कि परिवार बड़ा होगा तो पार्ट भी डिवाइड होंगे, तो वैसे ही है। अभी ताऊ जी का भी हिस्सा है इस घर में, इसमें टोटल 6 कमरे हैं, तो इस घर में 6 कमरे हैं, अभी 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं और 2 टॉप फ्लोर पे। हाँ, तो सब टॉप फ्लोर का रास्ता कहाँ से मुश्किल, क्योंकि वो ताऊ जी के पास है, तो वो बंद पड़ा हुआ। तो मेरे हिस्से में एक ही रूम था, तो मैंने एक रूम से ही शुरू किया उस टाइम पे। तो अभी मेरे पास लगभग 6 रूम्स हैं, तो मैंने नया कंस्ट्रक्शन किया है बगल में, बकायदा उसको वुड वाला ही टेक्सचर दिया है। अच्छा। वुड से बनाया, बट वो कंस्ट्रक्शन नया वो, हाँ नया है, उसमें अटैच वॉशरूम वगैरह। और इसको कितने साल हो गए होम स्टे में कन्वर्ट हुए? 2016 से शुरू किया था मैंने, तो अभी लगभग 8 साल हो गए, और 8 साल में जो भी मैंने कमाया मैंने उधर लगा दिया फिर तो वो यहीं से कमा के, बहुत अच्छे से इसको संजो के रखा हुआ है।
तो पंकज जी, जैसे हिमालयी जीवन में लोक देवताओं का एक मतलब हिमालयी जीवन में लोक देवता जरूर होते हैं, तो यहाँ के लोक देवता कौन हैं और क्या कहानियाँ हैं? जी आपने सही कहा कि हिमालय का जीवन और उसका हिस्सा लोक देवता, ये मतलब एक इसके बिना एक दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह पूरा समाज जो है वो लोक देवताओं द्वारा संरक्षित और संवर्धित है। तो मूल रूप से इस पूरे इलाके का जो कहा जाता है कि सबसे बड़े लोक देवता हैं वो समेश्वर हैं, क्योंकि ये इलाका यहाँ पे बहुसंख्यक लोग जो वो थे जो भेड़ बकरी चराते थे, जो पशुपालन करते थे, तो उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो ऊँचे बुग्यालों में बीतता था। और समेश्वर के बारे में खुद बारामासा में प्रोफेसर आए थे विलियम सैक्स, उन्होंने बहुत लंबी बातचीत की थी। तो समेश्वर कौन है, उनका इतिहास क्या है, इस पे आप तो लोगों के दर्शक जान चुके हैं। पर यहाँ के सबसे बड़े लोक देवता समेश्वर है, उसके अलावा हर किसी का अपना एक लोक देवता होता है जो परिवार से जुड़ा होता है, पर इन सबके ऊपर समेश्वर देवता है। तो जो भी किसी भी परिवार के जो भी अपने इष्ट देव हैं, इष्ट देव जो हैं वो तो हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा है, लेकिन सबकी श्रद्धा का जो सबसे बड़ा केंद्र होता है वो समेश्वर देवता होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस क्षेत्र की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के पशुधन की, यहाँ के हर चीज के जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो समेश्वर की है। वो नाराज भी होते हैं, उन्हें खुश भी किया जा सकता है, वो आपका आपको आगे बढ़ने के लिए आपके जो सारे दुख कष्ट दूर करने की क्षमता भी रखते हैं, या फिर वो आपके जीवन में दुखों का पहाड़ भी ला सकते हैं, क्योंकि वो लोक देवता हैं। जी, अभी हम आप लोगों को जो यहाँ के सोमेश्वर देवता का मंदिर है वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ बैठकर हम आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। तो यही है वो सोमेश्वर देवता का मंदिर, पूरे गांव वाले यहीं पूजा के लिए आते हैं, और ये जो लकड़ी है ये पुराने मंदिर का एक पार्ट है जिसको अभी तक संजो के रखा गया है। तो पंकज जी, मंदिर का जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है ये कब हुआ? नया कंस्ट्रक्शन मुझे लगता है 2005-06 में हुआ था, 2005-06 या 2010 तक हो गया था कंस्ट्रक्शन पूरा। जो इस लकड़ी की बात कर रही है, पुराने मंदिर पे होता था, पूरा पेड़ काट के लाया जाता। तो कहावत है, एक किस्सा बताया जाता है कि जिसने एक, जब ये पुराना मंदिर जो था जब उसका निर्माण हो रहा था तो गांव का एक व्यक्ति इसे उठा के लाया था अकेले। पर हालांकि जब पूरा नया मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसमें काफ़ी लोगों को दमखम लगाना पड़ा था इसे रिलोकेट करने के लिए, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। हमें अभी समेश्वर देवता के मंदिर में, जैसे अभी पहले भी बात हुई थी, समेश्वर देवता का बड़ा दखल है यहाँ के लोक जीवन में, तो अब समेश्वर देवता जो हैं उनसे ही, चाहे आपको शुभ दिन की बात करनी हो या फिर कुछ भी करना हो, वो समेश्वर देवता की ही आज्ञा से होता है। समेश्वर देवता ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इस पूरे हमारे गांव के जीवन में। गांव सिर्फ हमारा ही नहीं, इर्द गिर्द 5 गांव हैं, भटवाड़ी, बंदराणी, क्यारक, बंदरा और नटीन। इन 5 गांवों को, क्योंकि पहाड़ों में, हिमालयन इलाकों में एक प्रथा है कि कोई भी जो गांव है ना उनका एक समूह होता है, कहीं 7 गांव, कहीं 5 गांव, कहीं 8 गांव, कहीं 7-6 गांव, तो गांव का एक समूह होता था उस जमाने में। वो अपनी सुरक्षा या अपने फैसले, सामूहिकता का एक उदाहरण था कि अगर, क्योंकि वो गांव आसपास बसे हुए होते थे, तो जो भी डिसीजन लेने हो, चाहे वो धार्मिक आस्था से जुड़े हो या फिर गांव की सुरक्षा से जुड़े हो या फिर कोई ऐसा डिसीजन जिससे बड़ा बदलाव आना हो, तो ये गांव का समूह लेता था। ये अभी कपाट बंद है मंदिर के? नहीं, कपाट बंद नहीं, देव डोली रहती है मंदिर का। मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा है, बाकी समेश्वर का जो वो है, समेश्वर की डोली पूजी जाती है, समेश्वर का जो है ये मंदिर है, सिंबॉलिक है, बट समेश्वर की डोली पूजी जाती है। अगर आप पटर फेस्टिवल में आपने देखा होगा, समेश्वर का नृत्य, जो समेश्वर की डोली है वही सबसे महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है, वही डोली जो है वो चलता फिरता देव है, देवता है। फेस्टिवल्स पे भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन बटर फेस्टिवल पे अभी बारामासा ने एक डिटेल प्रोग्राम किया है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फैसिलिटीज़ पे भी बात कर लेते हैं हम। फैसिलिटीज़ पे बात करने से पहले गांव की पॉपुलेशन पे बात करते हैं कि यहाँ कितने लगभग परिवार रहते हैं, कितने वोटर्स हैं। देखिए, मतदाताओं के नंबर के बारे में तो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, अभी शायद
800 या 900 के करीब मतदाता हैं और परिवार जो है यहाँ 250 से ज़्यादा हैं। यहाँ आमतौर पर जैसे एक पहाड़ी गांव होता है वैसा ही गांव है, जातियों के हिसाब से भी जातियाँ लगभग यहाँ पर जो हिंदू पहाड़ी समाज में जो जातियाँ हैं वो सारी जातियाँ यहाँ हैं। यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ राजपूत भी हैं, यहाँ दलित जातियाँ भी हैं जो शिल्पकार हैं और ढोल बजाने का काम करने वाली जातियाँ भी हैं, लोहे का लोहार काम करने वाली जातियाँ भी हैं। तो कुल मिला के ये जो एक पहाड़ी गांव का आमतौर पर स्ट्रक्चर होता है, जाति वाला स्ट्रक्चर, वो इस गांव में है। वो इसलिए भी क्योंकि सबसे पुराना गांव है। आमतौर पर जो नए गांव बसे हुए हैं वो एक जाति के बहुसंख्यक हैं, या तो दलित बहुसंख्यक गाँव होंगे या ब्राह्मण बहुसंख्यक गाँव होंगे या राजपूत बहुसंख्यक गाँव होंगे कि जो नए बसे हैं। हाँ, क्योंकि पुराने गाँव थे वो सबकी ज़रूरत एक दूसरे से बंधी थी कि जब जहाँ आबादी बसती थी तो उसे लोहे का सामान बनाने के लिए लोहार भी चाहिए था, सुख दुख में ढोल बजाने के लिए बाजकी परिवार भी चाहिए था और शिल्पकार परिवार भी चाहिए था जो निर्माण कार्य कर सके, पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण परिवार भी चाहिए था और बाकी और का अन्य कामों के लिए और राजपूत परिवार या जो यहाँ पे खसिया जो है खस उस तरह के परिवार भी चाहिए थे। तो एक मिला जुला रूप है। तो हेल्थ सर्विसेज और बाकी प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि जी कितनी दूर जी, क्योंकि चंदन सिंह राणा का जिक्र करना जरूरी होगा कि जब वो 80 के दशक में इस गांव में पर्यटन और इस संभावनाओं के लिए लड़ रहे थे तो यहाँ पर बड़ा जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका बड़ा विकास हुआ था। कि जैसे ये पहला गांव था इस पूरे इलाके का जहां एक हेल्थ सेंटर बना था, जहां एक हेल्थ सेंटर बना था। तो आप पीछे देख सकते हैं कि वो हेल्थ सेंटर है, उसी के बगल में एक स्कूल, वो जो बड़ी वाली एक छत है ना, बड़ी वाली छत तो स्कूल है, उसके ऊपर हेल्थ सेंटर, हाँ येलो वाली वो हेल्थ सेंटर है, SAD है जो एलोपैथिक डिस्पेंसरी होती है और स्वास्थ्य उपकेंद्र, और उसके नीचे हाई स्कूल तक का है, 10वीं तक का है। ये कुछ साल पहले ही, 10-12 साल पहले चिकृत हुआ, पहले 8वीं तक का ही था और 10वीं के बाद पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल दूरी पे भटवाड़ी है, वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ इंटरमीडिएट तक है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आपको यहाँ से 40 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी जाना पड़ता है, जहाँ से आप उच्च शिक्षा ले सकते हैं। बाकी जो शिक्षा का ये है, अस्पताल है गाँव में, उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक गेस्ट हाउस बना हुआ है जब धार्मिक कार्य होते हैं बाहर से जो लोग हैं, होटल्स हैं, GMVN है, गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक यहाँ पे बंगला है, तो पर्यटकों के रहने के लिए होम स्टेज भी हैं। तो सुविधाओं के नाम पे लगभग एक जो पहाड़ी गांव में होना चाहिए था उससे ज़्यादा है। अगर किसी गाँव में देखो, ज़्यादातर गाँव में बहुत अभाव है सुविधाओं के और स्वास्थ्य जैसी समस्याएँ, उत्तराखंड की जो बहुत क्रूर तस्वीरें दिखती है स्वास्थ्य को लेकर, पर खुशकिस्मती से इस गांव में ऐसा नहीं है। अस्पताल हैं वहाँ पे, डॉक्टर तो नहीं फार्मासिस्ट हैं बट तैनात हैं, मतलब एक फर्स्ट एड जो है हमें आसानी से मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा PHC जो है वो 3 किलोमीटर दूर बाय रोड, हाँ बाय रोड 10 किलोमीटर और पैदल, हाँ रोड बहुत शानदार रोड कनेक्टिविटी है। गाँव में हेलीपैड बना हुआ है, एक गाँव के पास ही एक हेलीपैड, हाँ रैथल नटेल, यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रैथल और नटीन गांव जो हमारा पड़ोसी गांव, उसके बीचों बीच बना हुआ है, हेलीपैड बना हुआ है। तो सुविधाओं के लिहाज से गांव बड़ा सुविधा संपन्न है और नीचे भी एक मंदिर है, हाँ तो भगवती का तो ये है यहाँ का भगवती मंदिर, इस पर भी हम पंकज जी से बात करेंगे। तो ये मंदिर कितना पुराना है? ये तो नया स्ट्रक्चर बना है बट मंदिर उतना ही पुराना है जितना गांव का इतिहास है। मंदिर जो है देवी भगवती का है, इन्हें बाघ मुंडी कहा जाता है, मतलब बाघ का सिर देवी का है, बड़ी इनको लेकर बड़ी आस्था है लोगों की, बाघ मुंडी को लेकर माँ जगदम्बा के नाम से ही जानी जाती है। तो और ये इसलिए महत्वपूर्ण है जहाँ हम अभी खड़े हैं, इस गाँव के जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं सब यहीं होते हैं और इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं कि इस पूरे इलाके में सबसे भव्य और सबसे बड़े कार्यक्रम इसी गांव में आयोजित होते हैं। चाहे वो यहाँ के लोक पर्वों का आयोजन हो, चाहे वो किसी धार्मिक या पर्वों का आयोजन हो या धार्मिक आयोजन होते हैं। यहाँ मेजर कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं और किस किस सीज़न में मनाए जाते हैं? अच्छा, पहाड़ों में है फेस्टिवल्स का बड़ा, पहाड़ियों का और फेस्टिवल्स का बड़ा नाता है। तो जिस इलाके में हम हैं भागीरथी घाटी में, यहाँ पर आमतौर पर पूरे गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊँ क्षेत्र में ही ऋतुओं पर आधारित फेस्टिवल्स होते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ जब हरियाली शुरू होती है तो उस समय
जब मानसून दस्तक देने जा रहा होता है तो चारों तरफ हरियाली आ जाती है, उस समय यहाँ हरुणी मेला मनाया जाता है। तो हरुणी मेला मूल रूप से हरियाली का एक स्वागत होता है, स्वागत गीत होता है, रासू तांदी होते हैं। तो पहले जब क्योंकि जिस इलाके में हम हैं वहाँ पर धान की रोपाई सबसे पहले होती है मैदानों के पक्षा, क्योंकि माना ये जाता है कि पुराने बुजुर्ग कहते हैं और वह बात सच भी है, वो कहते हैं कि फसलें जो है हमेशा सर्दियों में ऊपर से पक के आती है, गर्मियों में नीचे से पक के आती है। तो यहाँ धान जो बोया जाता था जब जून में, तो उस समय हरियाली की दस्तक होती थी, तब हरुणी मेला मनाया जाता था, जो आमतौर पर इसकी तस्दीक करता है कि अब हरियाली सीजन शुरू हो गया है। और अंडूड़ी उत्सव के बारे में बारामासा ने एक अच्छा वो प्रोग्राम पेश किया ही है। अंडूड़ी उत्सव होता है भाद्रपद की संक्रांति को। उसके अलावा एक बीड़ा उत्सव और होता है, बीड़ा। बीड़ा क्या है कि ये अभी 10-12 दिन में, अंडूड़ी के बाद 10-12 दिन में हो जाएगा जब जन्माष्टमी होती है, उसके इर्द गिर्द। बीड़ा में क्या होता है कि कुछ अनाज जो स्थानीय अनाज होते हैं उन्हें एक दिन भिगोने रखते हैं, अगले दिन उन्हें कद्दू के पत्तों में लपेट के रखे जाते हैं, उस दिन उन्हें पूजा जाता है और तीसरे दिन उन्हें निकाला जाता है, तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो बीड़ा पड़ने का मतलब ये होता है कि अब जो है गर्मी और मानसून का समय खत्म हुआ, अब सर्दियों की दस्तक शुरू हो गई है। तो एक कहावत भी है कि जब जैसे बीड़ा में वो हमने अनाज डाला, मान लो कि उस दिन से ठंड शुरू हो गई है। तो और ये भी अगर इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से देखें तो वो सीजन सबसे आखिरी सीजन होता था जब उसके बाद कोई फसलें बोई नहीं जाती थी। हाँ, वो अंकुरित जब हो गए हैं तो उसके बाद कोई फसल नहीं बोई जाती थी, कड़ाके की ठंड पड़ती थी। हालांकि अब गेहूं बोए जाते थे 70-80 के दशक के बाद। तो बीड़ा के उस पे थे हम, वो उसके मेले होते हैं, तांदी गीत लगते हैं उसके, और उस दिन एक दुगड़ी खींची जाती है, कुछ एक यहाँ पर लोकल में होता है एक पौधा, उसको वो बना के जैसे रस्सी खींच होता है ना एक, उसी तरह का उसकी रस्सियों का एक मोटा सा गट्ठा बना के दो गुट खींचते हैं। वैसे ऐसा ही मजे के लिए, कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, क्योंकि वो हिस्सा है कल्चर का, तो इसलिए हमेशा से होता है। कि और एक सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे इलाके का पर्व है, वो है सिल्कू। सिल्कू यहाँ पर गंगा घाटी में 7-8 गांव में मनाया जाता है, तो रैथल में भी मनाया जाता था आमतौर मनाया जाता है। सिल्कू शाब्दिक अर्थ इसका तो ये है कि सोएगा कौन, क्योंकि ये मेला होता था आमतौर पर रात को, रात पूरी रात भर तांदी गीत लगते हैं, लोग जो हैं दूर दराज से आते हैं और सिल्कू में पूरी रात भर झूमते हैं, नाच गाना होता है। अगले दिन जो हैं बुग्यालों में जो फूल खिलते हैं, चाहे फूल खिलते हैं, चाहे वो ब्रह्म कमल हो, जटामासी, जो भी फूल खिलते हैं वो मंदिर में लाया जाता है, प्रांगण में सजाए जाते हैं, फिर उनके ऊपर देवता की डोली गुजरती है और वो फूल लोग प्रसाद स्वरूप अपने घर ले जाते हैं। तो सिल्कू को यूँ माना जाता है कि सिल्कू में जो फूल चढ़े हैं वो सीजन के आखिरी फूल थे, इसके बाद अब सारे फूल सूखने वाले हैं। तो सिल्कू का पर्व जो है एक तरह से हरियाली को अलविदा कहने का एक उत्सव है। तो 7-8 गांव में ही होता है, समेश्वर जहां पूजा जाता है वहां होता है, जहां अन्य देवता भी पूजा जाते हैं वहां भी होता था, पर वो उन्हीं इलाकों में होता था जिनके पास अपने बुग्याल हैं, जिन गांवों से बुग्यालों की नज़दीकी है। तो ये होता था कि ऊंचाई वाले इलाकों से जो फूल हैं खिलने वाले, उन्हें सब, चाहे ब्रह्म कमल हो, जो देवताओं के फूल माने जाते हैं कि इन्हें देवताओं ने खुद अपने हाथ से सींचा है, उन फूलों को देवताओं को चढ़ाया जाता था। अब ये माना है कि अगर हमने फूल तोड़े हैं तो इसके बाद अब सब कुछ सूख जाएगा, एक लंबी सर्दियाँ आएंगी, उतार सर्दियाँ, जब सब कुछ बर्फ से ढक जाएगा, फिर वसंत आने तक सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो उन फूलों को, तो सिल्कू जो है वो अब ऐसा मेला है कि जिसके बाद हरियाली अब खत्म हो जाएगी। पर हाँ, पांडव नृत्य जो है वो साल भर मनाए जाने वाले आयोजन हैं, अलग अलग महीनों में होते हैं, जिनके अलग अलग मायने भी हैं, कि कोई किसी महीने कभी गेंडाबध होता है, किसी महीने गेंडाबध होता है, गेंडाबध जो है वो सर्दियों में होता है। तो क्योंकि पांडव नृत्य तो मूल रूप से एक ऐसी विधा है ना कि जो जिसमें मनोरंजन भी है, जिसमें आस्था भी है, कहानियाँ भी है, तो पांडव विधा का तो एक अलग वो है, एक अलग इतिहास है, और पांडव विधा पे तो लोगों ने बड़ी कुछ लिखा भी है, बहुत कुछ बातें हुई भी हैं। तो एक तरह से वो लोगों को इंगेज रखने भी होता था, उनकी आस्था को भी बनाए रखता था, साथ ही साथ एक मनोरंजक भी होता था कि जब कुछ काम नहीं तो आपको पांडव नृत्य चल रहे हैं, पर लोग उसे नृत्य की तरह नहीं, एक आस्था के उसकी तरह देखते हैं।
तो पांडव नृत्य हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण मेले हैं, सेलकू हो गया, हरुणी हो गया और अंडूड़ी उत्सव हो गया। इसके अलावा आषाढ़ के मेले होते हैं जब आपको जब रासू नृत्य लगते हैं, इसी तरह से दो तीन और ऐसे मेले होते हैं। किस प्रकार से होता है वो रासू का है कि देखिए गढ़वाल को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि गढ़वाल के प्रमुख नृत्य जो हैं वो रासू और तांदी हैं। तांदी में क्या होता है कि आमने सामने एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला हाथ में अपने हाथ पकड़े हुए सुर मिलाते हैं कि एक लाइन पुरुष बोलेगा तो उसकी तुकबंदी करते हुए दूसरी लाइन महिला बोलेगी। पर रासू में क्या होता है कि ढोल बज रहा होता है, पुरुषों की एक लाइन होती है, एक आगे महिलाओं की होती है, तो गोल चक्कर में चल रहे होते हैं। तो उसमें रासू में क्या होता है कि जो ढोल वादन करने वाला होता है जो पहाड़ में ओजी समाज से आते हैं वो एक कोई गाना गा रहा होता है, जिस उस गाने में मूल रूप से वो गाने कोई बाहर के गाने या आधुनिक गाने नहीं होते, वो गाने प्राचीन गाने होते हैं या फिर लोक संस्कृति से जुड़े हुए गाने होते हैं, उन गानों को गाते हैं और उसमें लोग रासू करते हैं। जो सबसे आगे आदमी होता है पुरुष होता है उसके हाथ में एक चौंर होती है जो याक की पूँछ हुआ करती थी, और वो याक की पूँछ तब आया करती थी जब भारत तिब्बत का व्यापार हुआ करता था, तो सॉल्ट के साथ नमक के साथ बड़ा प्रचलन था कि याक की पूँछ भी आएगी। और याक की पूँछ सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, अगर आपने सिख धर्म में भी देखा होगा कि जिससे गुरु ग्रंथ साहिब को वो हिलाया जाता है जो वहाँ पे ग्रंथी रहते हैं तो भी याक की पूँछ है। अब तो आधुनिक तरीके से बनने लग गए, भारत में ही निर्माण होने लग गया है, पर पहले याक की पूँछ को देवताओं को चढ़ाया जाता था, याक की पूँछ ही पकड़ के रासू लगाया जाता है। तो रासू और तांदी यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो आपने अडूड़ी उत्सव में भी देखा होगा लोग हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के रासू, तो रासू तांदी तो मतलब ऐसी बात है कि अगर आप गढ़वाल से और रासू तांदी के बारे में नहीं जानते तो बड़ा अजीब सा है। हम प्रोग्राम रैप अप करें इससे पहले अगर आपको लगता है कि गांव से जुड़ा हुआ कोई इम्पोर्टेंट बात, कोई इम्पोर्टेंट कहानी या कुछ भी छूट गया हो तो आप देखिए गांव के हिसाब से देखा जाए ना कि रथल को आप लोगों ने देखा है, आपके विजुअल्स आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि गांव बड़ा खूबसूरत है, तो इसकी तारीफ करना या इसके वो करना तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि मेरा एक गाँव है, मैं खुद ही तारीफ कर रहा हूँ। पर गांव से जुड़ी हुई मैक्सिमम बातें तो मैंने बता दी है, पर गांव की अच्छी बात यह है कि इस गांव ने बाकी गांव की तुलना में हाल के सालों में बड़ी प्रोग्रेस की है, चाहे यहाँ आजीविका के नए स्रोत ढूंढने हो या फिर जिस तरह से ये गांव पर्यटन का बड़ा केंद्र बना है, लोग देश विदेश से आ रहे हैं ट्रैकिंग करने यहाँ रहने, और तो वो अपने आप में बड़ा यहाँ के लोगों के संघर्ष की भी एक कहानी है, अलग कहानी है कि जो सब कुछ आज दिख रहा है चाहे आपने बटर फेस्टिवल देखा हो वो एक उजली तस्वीर है लेकिन उसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। हमें याद है हम बहुत छोटे थे इसी चौक में बैठ के पंचायतें हुआ करती थी कि यार दयारा के विकास के लिए अब कुछ करना है बट करेंगे क्या, चंदा करना है, फिर एक नई लड़ाई लड़नी है, सरकार के पास जाना है, मंत्री को गांव में बुलाना है, उसके सामने रखना है कि देखो दयारा इस तरह के इसमें इस तरह के अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को खोजना है। तो गांव वाले का एक लंबा संघर्ष रहा है। अगर आज यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों का फुटफॉल है या अंडूड़ी उत्सव जैसा एक पॉपुलर ऐसा फेस्टिवल बन गया जो भारत में दूसरी जगह नहीं होता है तो वो आज की उजली तस्वीरें हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष है और वो संघर्ष गांव वालों ने किया है तो उसका परिणाम है। असल में पहाड़ में द्रोह परिस्थितियां हैं पर उस मामले में ये गांव बड़ा लकी साबित हुआ है कि इस गांव में ये इस गांव की बसावट ऐसी थी और शायद वो पहाड़ का हर जो पुराना गाँव है उसकी बसावट ऐसी थी कि उसमें भूस्खलन का खतरा नहीं रहता था, उसमें बादल फटने के बाद तबाही का खतरा नहीं रहता है, उसके रास्ते टूटते नहीं हैं, तो जो पुराने गांव हैं तो इस गांव में जो इसकी लोकेशन है जहां पर ये बसावट है वो इसके लिए बड़ा वरदान साबित हुआ है और लोगों ने भी इसीलिए संघर्ष किया कि जैसी बसावट है उस लिहाज से। तो बाकी पहाड़ों में मैं तो कहता हूँ रैथल के लोगों से बाकी गाँव को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको बता दूँ कि हमारे इर्द गिर्द कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा बुग्याल हैं और उनमें भी वही संभावनाएं हैं जो दयारा में है, ट्रैकिंग की भी संभावनाएं हैं, विंटर गेम्स की भी संभावना है, उन गांव में भी वही संभावनाएं हैं जो रैथल में है, होम स्टे की संभावनाएं हैं, पर्यटकों को आने की संभावना है। कौन कौन से बुग्याल? हाँ जैसे मैं सामने बताऊं यहाँ पे जोराई है, कुश कल्याण है और अवाना बुग्याल है और इस तरह से और कई अनाम बुग्याल हैं जिन तक लोग पहुँचे नहीं है, सिर्फ वहाँ के लोग जाते हैं छानिया अपने पशुपालन के लिए गर्मियों में आ जाते हैं। तो उन लोगों को रैथल या फिर अन्य जिलों में है उन लोगों को रैथल के ग्रामीणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक ऐसा सक्सेसफुल मॉडल है
भले इसने बहुत लंबा समय लिया क्योंकि सरकार तब लखनऊ बैठा करती थी, बट इस गांव ने खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए बहुत मेहनत की है। दयाराज अगर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है तो वो सिर्फ दयारा की वजह से नहीं, इस गांव के लोगों के संघर्ष की वजह से भी है। तो इस ये गांव अपने आप में एक रोल मॉडल है और इस गांव से सीखना चाहिए बाकी लोगों को भी कैसे खुद के घर में रोजगार पैदा किया जाता है। बारामासा का धन्यवाद। और आप लोग रैथल लाए, आपको रैथल कैसा लगा हम आपसे भी जानना चाहेंगे। धन्यवाद पंकज जी, बारामासा को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था रैथल विलेज का टूर, आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। यहाँ रुकने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिस होम स्टे में हम रुके थे हम उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ ही जिस ट्रेडिशनल होम स्टे का हमने आपको टूर कराया था उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको उत्तराखंड के अलग अलग गाँवों को घुमाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे, जुड़े रहे बारामासा।